नहीं जी दोस्तों, अब हम वायरिंग जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, के मुकम्मल आप कनेक्शन वगैरह सेटिंग आपको बताएंगे। ठीक है जी, एक और चीज़ दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बतानी है, ये सीडीए यूनिट बाद का जो है ना इस क्लिप से उतर जाती है। ये जो मैकेनिक हजरात हैं ये इस क्लिप से उतार देते हैं। ये देख लें, इसके दो स्टड लगे हुए हैं, यहाँ पे इसने क्लिप नहीं लगना है। ठीक है जी, ये ऊपर यहाँ पे अंदर से लगना है। तो ये सीडीए यूनिट जैसे ही उतर जाती है तो ये सीधे ही फिल्टर के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल मिसिंग करता है। ठीक है जी, ये हमने इसके कनेक्शन लगाए हुए हैं, अब इसको अंदर फिट करेंगे। तो दोस्तों, सब दोस्तों को बताता चलूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी लोगों ने कहा कि यार वीडियो वायरिंग वाली बनाएं। तो ये इग्निशन कॉइल है, स्टार्ट जो प्लग कॉइल जिसको हम मैकेनिक बोलते हैं, इग्निशन कॉइल है इसकी। आपने जो वायर है ये वायर जामा फर्स्ट ऑफ जिन्होंने जो हल्का सा भी करंट अगर वीक कर गया, हल्का सा भी करंट लूज कर गया तो ये कभी स्टार्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, गीली भी हो गई तार थोड़ी सी भी तो मसला करेगी, वैसे तो सारे करते हैं लेकिन मोटरसाइकिल ये, लेकिन ये ज़्यादा करती है। तो हमने इसके ऊपर डबल स्लीव, ये देख लें, डबल स्लीव तोड़ तक मुकम्मल कंप्लीट हमने चढ़ा दिया। ठीक है, प्लग होल्डर भी अच्छे वाला इसको लगा दिया। अब आते हैं यार दोस्तों, जो भी लुपी आप जो भी लुपी लगाएं उसको कोशिश करें प्लास की मदद से अच्छे से दबा दें, क्योंकि बाद का मोटरसाइकिल के अंदर वाइब्रेटिंग होती रहती है जिसकी वजह से बाद में मोटरसाइकिल मिसिंग करता है। ये देख लें, ये इग्निशन कॉइल वाली करंट की तार है, तो हमने ये अच्छे से देखना है, ये इसको दबा के अच्छे से ये सही फिट फिक्स होनी चाहिए। और ये दोनों साइड पे चेक कर लें, जंग वगैरह ना लगाओ, कावला बिल्कुल ओके हो। ठीक है, हम ये अर्थ इसका लगाएंगे, कोशिश करें कि जेन्युइन वायरिंग को ही सेट करें, लोकल वायरिंग का फायदा नहीं होता, वो उसके अंदर बुरूद बन जाता है और कचरा आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ अर्से के बाद मोटरसाइकिल मिसिंग करता है और करंट छोड़ जाता है। ठीक है जी, इतना भी मुश्किल काम नहीं है जुनून फोस्टॉक का वायरिंग का जितने लोग समझते हैं। ये देख लें, ये हमने अब कोशिश, कावले के ऊपर जंग नहीं होना चाहिए, बार बार बताने का मकसद है कि बाद में कोई भी दोस्त वो डिस्टर्ब ना हो। ये देख लें, स्विच का हमने ये लगाया हुआ है मुकम्मल, ये इस तरह लुपी लगी होनी चाहिए, तार इसकी कटी वटी नहीं होनी चाहिए, स्विच जो है वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ब्रेक स्विच अपने टाइम पे काम करना चाहिए। ठीक है जी, ये टाइट करते हैं, बाकी दूसरी बैटरी की तरफ चलते हैं, बैटरी साइड की तरफ, वो भी आपको कनेक्शन समझाते हैं। हमने ये रेक्टिफायर के कावले भी लगा दिए हैं, नट वगैरह रेक्टिफायर की पतली अंदर फिट हो चुकी है, अब चलते हैं दूसरी साइड पर। नहीं जी दोस्तों, आप बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से आते हैं, वायरिंग समझाते हैं आपको। कोशिश करना दोस्तों, अगर कोई भी तार की किसी ने लुपी वगैरह काट दी है तो ये लुपी जरूर लगानी है, क्योंकि इस लुपी के ऊपर कार्बन वगैरह नहीं जमता, और बाद का जो आम तार हम जोड़ लगाते हैं टेप वगैरह वो उतर जाती है, शार्ट हो जाती है, और ये होती है कापर के अंदर तांबा होता है, इसको जो है ना वो जंग वगैरह नहीं पकड़ता। ठीक है जी, तो कोशिश किया करेंगे लुपिये तारों के कनेक्शन करने के बजाय लुपियाँ लगाया करें। ये देख लें, हमें इसकी जेन्युइन लुपी नहीं मिली, लेकिन हमने दूसरी रेक्टिफायर की लुपी बनवा के इसमें लगा दी है। ये देख लें, तारों के कनेक्शन हमने बराबर कर दिए कि कोई परेशानी वगैरह ना हो। ठीक है जी, ये लुपियाँ लगाने का मकसद है, आपको हर चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई बंदा बाद में यह ना कहे कि यार मुझे समझ नहीं आई है, जो भी है। ठीक है, ये लुपियाँ हम इसलिए लगा लेते हैं कि बाद का तारें जो है ना वो वाइब्रेट, मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, वाइब्रेट होकर इसकी तारें जो है ना वो लूज़ हो जाती है और मोटरसाइकिल मिसिंग करता है। ये आप लुपी ये देख लें, ये बैठ गई लुपी, इसने बाद करते हैं, जितना मर्जी इसको दौर लगाएंगे ना ये खराब नहीं होगी, टूटेगी नहीं, ना ही मिसिंग करेगी। ठीक है जी दोस्तों, ये लग चुकी है पल्सर की, ये सबसे पहले हमने कॉइल गुच्छे की तारें चेक करनी है। ये देख लें, हमने ये ट्रेस इसको करना है। ले जी दोस्तों, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ये देख लें, मैंने तो ड्राई बैटरी रखी है, और मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि ड्राई बैटरी रखें, एक तो इसकी वो चेक करने वाली जान छूट जाती है, बार बार चेक करते रहें कि पानी कम हुआ या नहीं हुआ, और दूसरा इसका जो है तेजाब गिरने से इंजन की तबाही जो निकलती है जो होता है मसला वो नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ से हमने आपको वायरिंग मुकम्मल समझा दिया, बाकी मोटरसाइकिल देख लें, हमने मुकम्मल संभल कर दिया माशाल्लाह। इसके बाद हम आएँगे ये सामने की तरफ, ये देख लें, यह वायरिंग के कनेक्शन आपको सारे समझाएंगे। ठीक है जी, थ्रू प्रॉपर चैनल इंशाल्लाह। आपसे बस एक ही गुजारिश है, अवलीदा का यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए इतनी मेहनत होगी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, वायरिंग आ गई हमारे सामने, हेडलाइट के आगे वाली वायरिंग। ठीक है जी, ये देख लें, ये नीचे से वायरिंग आ रही है मुकम्मल, ये साइड पर कर दें, मैं आपको समझा देता हूँ। ये बटनों की ग्रिप वाली है, ये देख लें हेडलाइट की तारें, और ये ग्रिप वाली, ये हमने इसके अंदर वायरिंग काटनी ना पड़े इसके लिए हमने ग्रिप तैयार कर ली। ठीक है जी, ये अभी ब्रेक साइड वाली वायरिंग, ब्रेक स्विच और हेडलाइट, इसको भी साइड पर कर लें। सबसे पहले हमने समझना कि वायरिंग है किस किस की, ये मीटर की वायरिंग है, ये देख लें, ये न्यूट्रल की कनेक्टर लुपी है, और ये इस साइड पे भी होगी। ठीक है जी, इसको भी साइड पे कर लें। सबसे पहले हमने ये जो तारे हैं ये देख लें, दो तारे, ये हमने हरन को लगा देनी है, हरन इसके वायरिंग जो ये नीचे से वायरिंग आ रही है। ठीक है जी, ये दो इशारे की तारे हैं, ये देख लें। ठीक है जी, अब यामा फोर स्ट्रोक, यामा जुनून और यामा टू स्ट्रोक के अंदर जो ब्लैक तार है, ये जो
काले कलर की तार है, ये अर्थ होती है दोस्तों 1 to 5 और 70 में काले कलर की तार करंट होती है। यामा 4 स्ट्रोक जुनून 2 स्ट्रोक के अंदर ये ब्लैक कलर जो है ये निशानी है अर्थ की, ये याद रखना है। अब हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वायरिंग के अंदर बैटरी से, बैटरी हमने नई रख दी है आप देख सकते हैं, ठीक है जी, बैटरी हमने न्यू रख दी है। अब देखना यह है कि वायरिंग के अंदर से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखें, ये हमने टेस्टर की मदद से चेक करना है, ये करंट आ रहा है जी, ये देख लें। इसके बाद हमने ये करंट चेक कर लिया इसका, तो ये देख लें इसके अंदर करंट आ रहा है, ये आप देख लें बाहू भी। दोस्तों जान हो रही है, इंशाल्लाह जान के बाद नमाज के बाद इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। लें जी दोस्तों अब करते हैं बिस्मिल्लाह। आपको मैंने बताया कि इसमें चेक कर लेना है हमने कि ये बैटरी की तार है, ये देख लें स्विच को जो लगती है, ठीक है जी, ये बैटरी की तार है ये वाली। अब हम सबसे पहले इसको स्विच लगाएंगे, ठीक है जी, थोड़ी सी वीडियो के अंदर शोर होगा दोस्तों, रोड के ऊपर शॉप है तो इसके लिए माजरत। अब ये देख लें, ये आपने, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये रेड कलर की हमने तार देख लेनी है कि सामने इसके बराबर है या कोई नहीं, कनेक्टर लुपियाँ लगा लेनी है क्योंकि ये लुपियाँ अच्छी चीज़ होती हैं, बाद में इनके अंदर वो मिसिंग वगैरह नहीं आती। अब दोस्तों मैंने जो आपको पहले बताया कि ये जो ब्राउन कलर की कलेजी कलर की वायर है इसकी आपने एहतियात करनी है, ये नीचे कलेजी है, हमने इसके अंदर ना जोड़ सिर्फ ये डाला हुआ, ये देख लें इसके अंदर ये ब्राउन तार है, ये देख लें, ठीक है जी। अब इसमें हमने करंट चेक कर लेना है, स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच हमने ऑन कर लिया, अब इसमें करंट चेक करेंगे, ये देख लें जी दोस्तों ये करंट आ चुका है। अब ब्राउन कोई भी तार होगी उसके अंदर करंट आ रहा होगा, ये न्यूट्रल स्विच की फर्ज करें। अब हमने स्विच की तार लगा दिया, उसके बाद हम मीटर की बाकी तारें लगाएंगे, पहले हम मीटर की तरफ आते हैं। अब ये ब्राउन तार ये देख लें, फर्ज करें ये तार आप बॉडी के साथ लगा देंगे तो मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा, ये देख लें इस ब्राउन तार के अंदर भी करंट आ चुका है, और ये अर्थ जो है ये न्यूट्रल तार का बॉडी से लेगा, ठीक है जी, और न्यूट्रल चला देगा, जैसे हम अगला गेयर लगाएंगे न्यूट्रल उसका अर्थ गायब हो जाएगा, तो वो जो है वो लाइट बंद कर देगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी, ये देख लें ये मीटर की हमने वायर लगानी है, ये ब्राउन तार नीचे से आ रही है स्विच की, ठीक है जी, और ये जो न्यूट्रल की तार है ये भी आ रही है, अब ये मीटर की आ रही है, ये देख लें, ये जैसे ही हम लगाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये न्यूट्रल चला देगा। ये मीटर में चेक करते हैं न्यूट्रल, ये देखें जी, ये स्विच ऑफ किया, ये ऑन किया, ये न्यूट्रल चल चुका है, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, अब हम आ जाते हैं जी, ये बाकी कनेक्शन जो है ये मीटर के इंडिकेटर लाइट शहरों के हैं, इनको हम फिलहाल साइड पर कर देते हैं। हम आते हैं जी अब हेडलाइट के ग्रिप्स की तरफ, हेडलाइट की ग्रिप जो जिस तरह का दोस्तों कलर होगा उसी तरह, बस यही ध्यान करना है कि लुपी उल्ट वायरिंग के अंदर, बाद का जो वायरिंगें आती हैं उनके अंदर मसला होता है लुपी उल्ट होती है, ये देख लें, ये जैसे हम कनेक्टर ये एक जैसे कलर होंगे इनके, ये देख लेना बस पीली तार पीली के सामने और नीली नीली के सामने हो, ठीक है जी, हमने इसको भी बिठा देना। इसके बाद हम आपको स्टार्ट करके लाइट भी इसकी चेक करवा देंगे, ये हो गया। अब इसकी तरफ ये जो वायरिंग है इसकी तरफ सिर्फ ये स्विच की बैक लाइट वाली तार रह गई है, इसको भी हम लगाएंगे, इसके अंदर भी ये बैक लाइट की तार वैसी है जैसी 70 की होती है, लेकिन इसके अंदर ये देख लें एक पीला सा कलर की वायर है, पीले सी, थोड़ी सी जूमिंग कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों ये देख लें कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए, ठीक है जी, तो आपका भी आगे बनता है, आप लाइक करें वीडियो को, अभी लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। ये देख लें हमने इसको, ये इसकी तार जो इसके कलर के साथ मैच कर देनी है। अब ये ब्लैक कलर की तार बेसिकली जो है करंट की तार है, ठीक है, ये इस स्विच के अंदर जो उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है, ये मेरे ख्याल में लोकल स्विच लगा हुआ है, तो इसके अंदर ब्राउन तार होनी चाहिए लेकिन इसके अंदर ये ब्लैक तार है, लेकिन हमने इसको ब्राउन कलर की तार के साथ लगाना है, ठीक है जी, ये देख लें, जैसे हम लगाएंगे आपको मैं बैक लाइट चेक करा देता हूँ, ये देख लें, ये देख लें ये बैक लाइट चल रही है, ठीक है जी, ये मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ये देख लें, ये देख, ठीक है जी, ये ब्रेक चल चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, ये हमारी ग्रिप जो है ये वाली ग्रिप रेस वाली हमारी फाइनल हो चुकी है, ठीक है जी। अब हम आते हैं क्लच ग्रिप की तरफ, ये जो क्लच ग्रिप है इसकी तरफ आते हैं, ये क्लच ग्रिप की मुकम्मल वायर है, ये हमने लुपी बनाई हुई है कि इसके साथ जेनुइन लुपी आती है, ठीक है, ये लुपी के हमने सिर्फ ये देख लेना है कि वायर जो सामने वायर आ रही है वो एक जैसी है या नहीं, ये देख लें हरे कलर की वायर है और ये दूसरे कलर की हरन की, तो ये देख लें बिल्कुल सेम है, इसको दबा देना, ठीक है जी। अब हम हरन को दबा के चेक करेंगे, हरन को माशाल्लाह जी हरन भी काम कर चुका है, क्योंकि इसके इसका अर्थ जो है हरन का वो हैंडल के साथ होता है, इस हैंडल के साथ बटन का जो अंदर अर्थ होता है इसके साथ होता है, ठीक है जी। अगर आप सारा वायरिंग करके भी ये ग्रिप उतार के खोल के चेक करेंगे तो हरन नहीं जो है ना वो चलेगा, क्योंकि इसका अर्थ नहीं होता इसके साथ। ये हो चुका है दोस्तों, अब ये जो ये तारे हैं ये हेडलाइट के होल्डर के, इसको फिलहाल हम नहीं छेड़ेंगे। अब हम आते हैं इशारों की तरफ, ठीक है जी दोस्तों, इशारों की तरफ आ जाते हैं, ये जो इसकी ये तारे हैं ये बेसिकली धूम को भी इशारे यही लगते हैं, ये हैं अर्थ की तारे, ये हमने ब्लैक कलर की तार है, ये देख लें, इसमें हमने दोनों लुपियाँ इंस्टॉल कर देनी है, ये लगा देनी है, ये अगर थोड़ी सी लूज़ हो तो इनको हाथ की मदद से या प्लास्टिक की मदद से हल्का सा आपने दबा देना है ताकि ये लूज़ ना हो, बाद लाइट जोड़ने के बाद ये ना होकर ना चले, ये ओके हो गए यहाँ तक। दोस्तों अकेला हूँ, वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सा अगर वीडियो में मसला हो तो उसके लिए माजरत। नहीं जी, अब ये शाहरुख हमने अर्थ लगा दी, अब हम इसके करंट लगाएंगे, ये देख लें। अब इस ब्राउन के कलर के अंदर आपने थोड़ा सा गौर कर लेना दोस्तों, ये अब ये भी एक ब्राउन तार है, ये भी ब्राउन तार है, लेकिन ये शाहरुख की तार, इसमें करंट नहीं आएगा, ये देख लें
इसके अंदर करंट नहीं है, स्विच ऑन है, इसके अंदर करंट नहीं। जैसे हम इशारा लगाएंगे फिर करंट आएगा, ये देख ले। अब मैंने इशारा लगाया, ये दूसरी साइड का लगाया, ये साइड का मैंने इशारा लगाया, फिर करंट आया। अच्छा, इसमें करंट नहीं आना चाहिए स्विच ऑन करने के बाद, ठीक है। ये ब्राउन की तार दूसरी होती है, ठीक है। अब इसमें हम ये लगाएंगे, एक ये हमने लगा देनी है, ये ब्राउन की ये मीटर से आ रही है जो इशारा का इंडिकेटर दिखाएगी, ठीक है जी। ये हमने लगा दी, दूसरा हमने इशारा देख लेना कौन सा चला रहे हैं, ठीक है जी। उस साइड की हमने वायर लगानी है, ये पहले चेक कर लेना इसके अंदर करंट नहीं आ रहा। उसके साथ ये दूसरी वायर है ग्रीन कलर की, ये दोनों ये देख लें, इसके अंदर हम लगाएंगे, चेक करते हैं इशारा चल रहा है या नहीं। ये माशाल्लाह देख लें इशारा चल चुका है। अब अंदर भी हमने चेक करना है, मीटर के अंदर भी चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मीटर के अंदर फिलहाल नहीं चल रहा, तो वो भी चेक करते हैं क्यों नहीं चल रहा। मीटर के अंदर हम अभी कनेक्शन करेंगे दोस्तों, ये अभी चल जाएगा इंशाल्लाह। अब इसकी मीटर के अंदर ये वाली ब्लैक कलर की तार है जो कि अर्थ है, और ये हमने अर्थ के अंदर ये लगा देनी है। ये जी अर्थ लग चुका है, अब इंशाल्लाह मीटर के अंदर इंडिकेटर चल रहा होगा, ये देख लें। इस साइड का मीटर इशारा चल रहा है, पीछे वाला भी चल रहा है, ये देख लें। अब दूसरी तरफ का लगा देते हैं, ये दोस्तों बिल्कुल आसान है जी। मैं इशारा बंद कर देते हैं, शोर कम हो जाए। अब करते हैं जी दूसरी तरफ का इशारा, ये देख लें, ये उसी में लगा देना है, ये जो ग्रे कलर की तार है, ठीक है जी, इसमें भी हमने लगा दिया ये। अब दूसरी तरफ का इशारा भी चल जाएगा इंशाल्लाह। ये देख लें दोस्तों, ये हमने इसमें लगा दिया, ये दूसरे इशारे की, इस इशारे की तार, ठीक है जी। अब ये इंडिकेशन जो मीटर के अंदर है उसकी भी हम लगा देंगे, ठीक है जी। चले जी चलाओ जी, ये देखें ये इशारा चल चुका है, और ये मीटर के अंदर भी इंडिकेशन इसकी चल चुकी है जी। अब हेडलाइट की बारी है इंशाल्लाह, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके हेडलाइट की इंडिकेशन करेंगे, ठीक है जी। अब जो मीटर के अंदर जो लाइटें शो होनी है वो ये ब्लू कलर की तार है, ये देख लें, ये हमने इसको ऐसे लगा देना है अपनी जगह पे, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर ये हाई लो बीम वाली एक तार मीटर की बच चुकी है, ठीक है, वो हम हेडलाइट के होल्डर के अंदर लगाएंगे। ये देख लें, ये तीन तारें रह गई हैं जो हेडलाइट के होल्डर लगना है जिसका, ये देख लें, ये जेन्युइन ऑर्डर अगर होगा तो इसके साथ हो गए, इसके कनेक्शन वगैरह होंगे, अगर लोकल होगा तो उसके साथ नहीं होंगे, उसके साथ फिर तारें काट के लगानी पड़ेंगी। ये देख लें, ये हाई लो वाली हमने लगा देनी है। लें जी, ये हाई लो लग चुकी है, अब ये अर्थ वाली तार रह गई है, ये हम इसके अंदर लगा देंगे। चलें तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर, ये जो पीले कलर की तार है, ये जो हमने ग्रिप के साथ दिया है, जो नीचे से वायरिंग के अंदर से ये तार आ रही है, उसके अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे पीले कलर के अंदर जो रेक्टिफायर से तार करंट आ रहा है, इससे माशाल्लाह बेहतरीन करंट आ रहा है, ये देख लें। अब हम जैसे ये बटन ऑन करेंगे ना, तो इसमें ब्लू कलर के अंदर करंट आएगा, ठीक है जी। इस अब इसके अंदर करंट आ चुका है, तो अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी करंट होगा, ठीक है जी। ये देख लें, अब ये जो तार है इसने करंट देना है मीटर के जो अंदर वायरिंग जा रही है, ये वाली तार मीटर के अंदर, ये जो हेडलाइट मीटर के बल्ब चलते हैं, ठीक है जी, मीटर के अंदर जो डायल के नीचे बल्ब होते हैं वो चलेंगे, ठीक है जी। अब ये ग्रिप की तार है जो हेडलाइट को हाई लो पे चलाएगी, ये देख लें, हाई लो करेंगे, ये देख लें। अब मीटर के अंदर भी इंडिकेशन हो रही होगी, ये देख लें, लाइट ऑफ करो, ऑन करो, ये देख लें, बैक लाइट भी चल रही है दोस्तों, ऑफ करो बैक लाइट, दोस्तों ये इतनी सी आसान सी वायरिंग है इसकी। अब इंशाल्लाह इसकी हेडलाइट मुकम्मल जोड़ेंगे और बंद करेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। दुआ में जरूर याद रखिएगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।